अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 इंग्लिश का फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। तो सबसे पहले आज इस लेसन में हम लेसन की रीडिंग करेंगे, तमाम पैराग्राफ्स की रीडिंग करेंगे, फिर उसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, उनको इंग्लिश टू इंग्लिश और उर्दू में भी उनके मीनिंग्स देखेंगे हम, फिर उस पूरे टेक्स्ट की ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। So this is our unit 1, the savior of mankind. तो हम फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट कर लेते हैं और फर्स्ट पैराग्राफ की हम रीडिंग करते हैं। अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डेजलिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन। Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. It was in this land that the Rasul was born, in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. आइए अब इस पैराग्राफ के अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स देख लेते हैं। लैंड मीन्स ग्राउंड और उर्दू में उसको हम कहेंगे जमीन। अनपैरेलल्ड मीन्स अनमैच्ड और एक्सेप्शनल और उर्दू है बेमिसाल। चार्म मीन्स अट्रैक्शन, दिलकशी। ट्रैकलेस मीन्स अनडिस्कवर्ड, गुमनाम। सैंड ड्यून्स मीन्स सैंडी हिल्स, रेत के टीले। डेजलिंग मीन्स एक्सट्रीमली ब्राइट, इंतहाई तेज। ट्रॉपिकल मीन्स वेरी हॉट, तेज गर्म। एक्साइटेड, थ्रिल्ड, पुरजोश। इमेजिनेशन मीन्स थॉट, ख्याल। स्टारी, दिस मीन्स फुल ऑफ स्टार्स, सितारों से भरा हुआ। तो अब हम इन वर्ड्स के मीनिंग्स को माइंड में रखते हुए पैराग्राफ 1 को उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। तो सेवियर ऑफ मैनकाइंड की उर्दू होगी इंसानियत का निजात दहिंदा। सेवियर मीन्स सेव करने वाला, निजात दिलाने वाला। मैनकाइंड मीन्स इंसानियत। तो सेवियर ऑफ, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड मीन्स इंसानियत का निजात दहिंदा। तो आइए फर्स्ट पैराग्राफ को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरब बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती की जमीन है। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डेजलिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन, जिसमें रेत के टीलों के गुमनाम सहरा हैं, जिनमें तेज सूरज की इंतहाई तेज शुआएं हैं। Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. Iska sitaron se bhara aasman shairon aur musafiron ke khayalat ko purjosh bana deta hai. It was in this land that the Rasul was born, in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सरजमीन के शहर मक्का में पैदा हुए, जो कि बहिरे अहमर से तकरीबन 50 मील दूर है। स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन टू द रीडिंग ऑफ पैराग्राफ नंबर 2। द अरब्स पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल। देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी found expression in their poetry. Every year, a fair was held for poetical competitions at Qukaz. It is narrated that Hammad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you, for each letter of the alphabet, 100 long poems, without taking into account short pieces. And all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for his final dispensation
एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड। अब इस पैराग्राफ के अंदर यूज हुए कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स देख लेते हैं। पोजेस्ड मीन्स ओन्ड और हैड, मौजूद। रिमार्केबल मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गैर मामूली। एलोक्वेंट मीन्स फ्लुएंट, फसी। नरेटेड मीन्स रिलेटेड, रवायत। रिसाइट, डिक्लेम, तलावत। कंपोज्ड मीन्स कंसिस्टेड ऑफ, मुश्तमिल। एक्सक्लूसिवली मीन्स बीइंग द ओनली सोर्स, वाहिद। प्रोमलगेशन मीन्स एडवेंट और ओपन डिक्लेरेशन, जहूर। डिस्पेंसेशन मीन्स स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज, पैगाम का फैलाव, इशाहत। प्रिजर्वेशन मीन्स कीपिंग सेफ, हिफाजत। डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स के बाद आइए अब हम पैराग्राफ नंबर 2 की उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं। The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. अरब लोग गैर मामूली याददाश्त रखते थे और फसी लोग थे। Their eloquence and memory found expression in their poetry. उनकी रवानी और याददाश्त का इजहार उनकी शायरी में होता है। Every year a fair was held for poetical competitions at Ukaz. हर साल उकाज में शायरी के मुकाबलों का एक मेला मुनक्कद होता था। It is narrated that Hammad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. रवायत है कि हम्माद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, मैं हरूफ तहजी के हर एक हर्फ के लिए 100 तवील नज़में पढ़ सकता हूँ, उनको मुख्तसर किए बगैर, और ये तमाम सिर्फ इस्लाम के ज़हूर से पहले के शोहरा की होंगी। इट इज़ नो स्मॉल वंडर दैट अल्लाह ऑलमाइटी चोज द अरेबिक लैंग्वेज फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन इन द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ल्ड। ये कोई छोटी सी तहज्जुब की बात नहीं कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी अहकाम की इशाअत और हिफाजत के लिए अरबी जबान को मुंतहिब किया। नाउ वी मूव ऑन टू द रीडिंग ऑफ द थर्ड पैराग्राफ। इन द फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेंचुरीज मैनकाइंड स्टोर ऑन द वर्ज ऑफ केओस, इट सीम्ड that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. At this point in time, Allah Almighty raised a Rasul among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. Now, let's have a look on some of the words and their meanings in the third paragraph. Verge, edge, किनारा, दहाना। Chaos means confusion, अफरा तफरी। Crumbling means breaking into pieces, टुकड़े होना, डगमगाना। Ignorance means lack of knowledge, जहालत। Faith means confidence, strong belief, अकीदा। Civilization means people, तहजीब। Humanity means all human beings, इंसानियत। Now with these words and meanings in mind, अब हम paragraph 3 की उर्दू translation कर लेते हैं। In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. पांचवी और छठी सदी में बनी नो इंसान अफरा तफरी के दहाने पे खड़ी थी। It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. ऐसा लगता था कि वो तहजीब जिसने परवान चढ़ने में 4,000 साल लगाए, डगमगाना शुरू हो गई थी। At this point in time,
अल्लाह ऑल माइटी रेज द रसूल अमंग देमसेल्व्स टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम इग्नोरेंस इन टू द लाइट ऑफ फेथ। एन उसी वक्त अल्लाह ताला ने इंसानियत को जहालत से उठाकर ईमान की रोशनी में लाने के लिए उन्हीं में से एक रसूल को पैदा किया। आइए अब पैराग्राफ नंबर 4 की रीडिंग करते हैं। When Hazrat Muhammad was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. Now, the words with meanings from this paragraph. Solitude means the state of being alone, tanhai, akelapan. Meditation means thinking deeply in silence, especially for religious reasons. Ghoro fikr karna. Meditation means ghoro fikr. Remembrance means commemoration, yaad karna. अब हम पैराग्राफ नंबर 4 को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल के हुए तो आप अपना ज्यादातर वक्त तन्हाई और गौर फिक्र में गुजारते थे। In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. वो अब खुराक और पानी लेकर गारे हिरा में किनारा कश हो जाया करते थे और कई दिन और हफ्ते अल्लाह ताला की याद में गुजारते थे। Now let's read paragraph number 5. The period of waiting had come to a close. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty, and injustice. The moment had arrived when he was to be bestowed with Nabuwat. One day, when he was in the cave of Hira, Hazrat Jibrail alayhi salam came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. Read in the name of thy Lord who created man from a clot of congealed blood. Read and thy Lord is most bountiful who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. Now let's have a look on the words with their meanings. Congealed blood means firm blood, jama hua khoon. Profound means deep, gehra. Compassion means sympathy, hamdardi. Pressing urge is high desire, zabardast khwahish. Eradicate means remove, khatam kar dena. Bestowed with means to confer as a gift, ata hona, sarfaraz hona. Bountiful means generous, kareem. Now let's have a look on the translation of paragraph 5 into Urdu. Ab paragraph 5 ko Urdu mein translate karte hain. The period of waiting had come to a close. इंतजार का वक्त खत्म होने वाला था। His heart was overflowing with profound compassion for humanity. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानियत की गहरी हमदर्दी के लिए छलक रहा था। He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. आपकी सामाजिक बुराइयों, गलत अकायद, जुल्म और नाइंसाफी को खत्म करने की जबरदस्त ख्वाहिश थी। The moment had arrived when he was to be bestowed with nabuwat. वो लम्हा आ चुका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुवत से सरफराज होने वाले थे।
वन डे व्हेन ही वाज इन द केव ऑफ हिरा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम केम एंड कन्वेड टू हिम द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। एक दिन जब आप गारे हिरा में थे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आप तक अल्लाह ताला का ये पैगाम पहुंचाया। रीड इन द नेम ऑफ दाय लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। रीड एंड दाय लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल। पढ़ और आपका रब बड़ा करीम है। हु टॉट द यूज ऑफ द पेन टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट। जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया और इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। अब हम पैराग्राफ नंबर 6 को रीड कर लेते हैं। द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स हैड बिगन एंड द रसूल हैड रिजन टू प्रोक्लेम द वननेस ऑफ अल्लाह तौहीद एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. Now let's have a look on some difficult words from this paragraph. Revelation means heavenly communication, wahi. Allah Ta'ala ki taraf se bheja gaya message, wahi. Divine message, heavenly communication, वही इसका भी वही मतलब है। Arisen, happen, पैदा। Proclaim, state publicly, और declare, ऐलान करना। Nexus means connection, गठजोड़। Superstition means false notion, वहम परस्ती। Disbelief, not believing, बेयकीनी। नोबल मीन्स डिग्निफाइड, पुरवकार। डिवाइन ब्लिस, हेवनली हैप्पीनेस, हमेशा की खुशी। अब हम पैराग्राफ 6 की उर्दू ट्रांसलेशन देख लेते हैं। द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स हैड बिगन। वही का नजूल शुरू हो चुका था जो अगले 23 साल तक जारी रहा। एंड द रसूल हैड अरिज़न टू प्रोक्लेम द वननेस ऑफ अल्लाह तौहीद एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की वहादत और नस्ल इंसानियत के इत्तेहाद का ऐलान किया। हिज मिशन वॉज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस and disbelief and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. Aapka maqsad oham parasti, jahalat aur beyakini ki fiza ko khatam karna tha. ज़िंदगी का एक अजीम तसव्वुर कायम करना और इंसान को ईमान की रोशनी और हमेशा की खुशी की तरफ रहनुमाई करना था। नाउ लेट्स रीड पैराग्राफ नंबर 7। सिंस दिस बिलीफ वॉज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी द पेगन अरब्स स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द रसूल Sallallahu Alaihi Wasallam and his followers. They wanted them to renounce their cause and to take to idol worshipping. On one occasion, they sent a delegation to the Rasul's kind and caring uncle Abu Talib. They told him to restrain the Rasul from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. Finding himself in a dilemma, He sent for his nephew and explained to him the situation. The Rasul responded with these memorable words.
माय डियर अंकल, इफ दे पुट द सन इन माय राइट हैंड एंड द मून इन माय लेफ्ट, इवन देन आई शैल नॉट अबैंडन द प्रोक्लेमेशन ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह तौहीद. आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ अपॉन द अर्थ और पेरिश इन द अटेम्प्ट. नाउ द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम दिस पैराग्राफ. थ्रेटनिंग मीन्स इंटिमिडेटिंग, डरा देने वाला, धमकाना, डराना. डोमिनेंस सुप्रीमेसी, गलबा. होल्ड पैगन डिसबिलीवर, नाफरमान. पैगन अरब्स वर दोज अरब्स विच वर डिसबिलीवर्स. रिनाउंस मीन्स गिव अप, तर्क कर देना, छोड़ देना. आइडल वर्शिपिंग, वर्शिप ऑफ आइडल्स, बुतों की पूजा, बुतों की इबादत. डेलीगेशन एलोकेशन वफ्त. रिस्ट्रेन होल्ड बैक, बाज आना. प्रीचिंग स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ अल्लाह, तबलीग. एनमिटी हॉस्टिलिटी, दुश्मनी. डिलेमा अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल हालात. मेमोरेबल अनफॉरगेटेबल, यादगार. अबंडन डंप, छोड़ देना. टू लीव, अबंडन मीन्स टू लीव, छोड़ देना. प्रोक्लेमेशन डिक्लेरेशन, ऐलान. अब हम पैराग्राफ 7 को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं. सिंस दिस बिलीफ वॉज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, द पेगन अरब्स स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द रसूल एंड हिज फॉलोअर्स. चूंकि ये अकीदा माशरे में उनके गलबे के लिए खतरा पैदा कर रहा था, कुफार अरब ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया. दे वॉन्टेड देम टू रिनाउंस देयर कॉज एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग. वो चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अव्वलीन मकसद को छोड़कर बुत परस्ती इख्तियार कर लें. On one occasion, they sent a delegation to the Rasul's kind and caring uncle Abu Talib. एक मौका पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा अबू तालिब के पास एक वफ्त भेजा. They told him to restrain the Rasul from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. उन्होंने कहा कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के पैगाम की तबलीग से रोकें या फिर उनकी दुश्मनी का सामना करें. फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलेमा, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन. खुद को मुश्किल हालात में देखकर उन्होंने अपने भतीजे को पैगाम भेजा और आपको मामले की वजाहत की. The Rasul sallallahu alaihi wasallam responded with these memorable words. Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam ne in yaadgar alfaz mein jawab diya. My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, tauheed. Mere pyare chacha jaan, agar wo mere daaye haath mein suraj और बाएं हाथ में चांद रख दें, मैं फिर भी अल्लाह ताला की वहदानियत की तबलीग को नहीं छोड़ूंगा. आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ अपॉन द अर्थ और पेरिश इन द अटेम्प्ट. मैं जमीन पर अकीदा हक को कायम करूंगा या इस कोशिश में खत्म हो जाऊंगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रीडिंग ऑफ पैराग्राफ 8. The Rasul's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, Son of my brother, go thy way, none will dare touch thee, I shall never forsake thee. अब पैराग्राफ 8 के वर्ड्स मीनिंग्स देख लेते हैं. Impressed means affected in mind, मुतासर होना, मुतासर.
डिटर्मिनेशन मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, पुख्ता इरादा, पुख्ता अज़्म. फॉरसेक टू लीव एंटायरली, तनहा छोड़ देना, तनहा छोड़ना. अब पैराग्राफ 8 को उर्दू में ट्रांसलेट कर लेते हैं. द रसूल्स अंकल वॉज सो इम्प्रेस्ड विद हिज नेफ्यूज फर्म डिटर्मिनेशन दैट ही रिप्लाइड, सन ऑफ माई ब्रदर, गो दाई वे, नन विल डेयर टच दी, आई शैल नेवर फॉरसेक दी. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान अपने भतीजे के पुख्ता अज़्म से इतने मुतासर हुए कि उन्होंने जवाब दिया, मेरे भाई के बेटे, अपने रास्ते पर गामजन रहो, कोई आपको हाथ लगाने की जुरत नहीं करेगा, मैं आपको कभी तनहा नहीं छोड़ूंगा. अब हम पैराग्राफ नंबर 9 को रीड करते हैं. एंड द रसूल डिड गो द वे अल्लाह ऑलमाइटी हैज चोजन फॉर हिम, imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasul sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. In no time, he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. He was also a driving force behind the Arab conquests, which have created an everlasting impression on human history. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. In the words of Michael Hart, a great historian, Muhammad, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. In fact, as the driving force behind the Arab conquests, he may well rank as the most influential political leader of all time. The conquests of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. Ab paragraph 9 mein se words ke meanings dekh lete hain. Imbued means inspired. Sarshar, divine guidance, guided by Allah Almighty, Allah ki rahnumai. Firm resolve means strong decision, pukhta azm. Encountered means faced, samna kiya. Grace, elegance, shaistigi. Dignity, respect, vakar. Elevated, eminent, buland. Spiritual, relating to spirit, ruhani. Worldly, relating to world, dunyavi. Domain, part, hissa. Conquest, victory, fatah. Everlasting impression, constant impression, hamesha rehne wala naqsh. Acknowledged, accepted, taslim shuda. Influential, having influence, ba'asar. Historian, person who tracks history, tarikh dan. Ethical, moral, akhlaqi. Theology means religion, mazhab. Proselytizing means preaching, tabligh. Now let's translate paragraph 9 into Urdu. And the Rasul did go the way Allah Almighty had chosen for him. वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर चलते गए जो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुंतहब किया था. Imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasul sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. अल्लाह ताला की रहनुमाई और पुख्ता अज़्म के साथ तमाम चैलेंजेस का मुकाबला डट कर वकार के साथ किया. इन नो टाइम ही एलिवेटेड मैन टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स. कुछ ही अरसे में बनीनो इंसान को दोनों रूहानी और दुनियावी लिहाज से बुलंद तरीन मुमकिन सतह पर पहुंचा दिया.
ही वॉज ऑल्सो अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट विच हैड क्रिएटेड एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन ह्यूमन हिस्ट्री। आप अरब फतुहात के पीछे भी एक असल ताकत थे जिसने इंसानी तारीख पर लाजवाल तासर पैदा किया। नो वंडर ही इज यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन हिस्ट्री। ये हैरानगी की बात नहीं कि आपको तारीख में हर जगह सबसे ज्यादा बाअसर शख्सियत माना जाता है। इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट, अ ग्रेट हिस्टोरियन, अजीम तारीखदान माइकल हार्ट की जबानी, मोहम्मद हाउएवर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम एंड इट्स मेन एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स। ताहम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों इस्लाम के मजहबी कायद और मरकजी अखलाकियात और अखलाकी असूलों के जिम्मेदार थे। इन एडिशन ही प्लेड अ की रोल इन प्रोसेलिटाइजिंग द न्यू फेथ एंड इन एस्टेब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इसके अलावा उन्होंने नए दीन की तबलीग और मजहबी रसूमात के क्याम में अहम किरदार अदा किया। इनफैक्ट एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट, ही मे वेल रैंक एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम। दरअसल अरब फतुहात के पीछे असल ताकत के तौर पर उनको तमाम वक्त के बाअसर तरीन रहनुमा का अजीम दर्जा दिया जा सकता है। द कंक्वेस्ट ऑफ द 7th सेंचुरी हैव कंटिन्यूड टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन हिस्ट्री डाउन टू द प्रेजेंट डे। 7वीं सदी की फतुहात ने इंसानी तारीख में आज तक एक अहम किरदार अदा किया है। नाउ वी मूव ऑन टू द रीडिंग ऑफ द लास्ट पैराग्राफ विच इज Paragraph number 10. Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul's deep faith in Allah Almighty and to the nobility of his character. Indeed, his life is a perfect model to follow. In reply to a question about the life of the Rasul, Hazrat Aisha Raziyallahu Ta'ala Anhu said, "His morals and characters are an embodiment of the Holy Quran." The final word about the savior of mankind in the Holy Quran is, "O Nabi sallallahu alaihi wasallam, surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner and as the one inviting to Allah by his permission and as a light giving torch." अब पैराग्राफ 10 से कुछ वर्ड्स को मीनिंग्स देख लेते हैं। थॉरो मींस कंप्लीट, मुकम्मल। ट्रांसफॉर्मेशन मींस चेंज, तब्दीली। नोबिलिटी, बीइंग नोबल, शराफत। इनडीड, इनफैक्ट, दर हकीकत, वाकई ही। एम्बॉडीमेंट, लिविंग एग्जांपल, जिंदा मिसाल। विटनेस, ऑब्जर्वर, गवाह। बेरर, कैरियर, उठाने वाला, लाने वाला। नाउ लेट्स ट्रांसलेट पैराग्राफ 10 इनटू उर्दू। सच अ थॉरो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन एंड सोसाइटी ओज टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स डीप फेथ इन अल्लाह ऑलमाइटी एंड टू द नोबिलिटी ऑफ हिज कैरेक्टर। इंसान और माशरे की मुकम्मल तब्दीली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला पर ईमान, इंसानियत के लिए मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शान सीरत की वजह से है। इनडीड हिज लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल टू फॉलो। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक तकलीद के लिए बेहतरीन नमूना है। इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन अबाउट द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा सेड, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में एक सवाल के जवाब में हजरत आयशा ने फरमाया, हिज मॉरल्स एंड कैरेक्टर आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हुस्ना और सीरत कुरान पाक की जिंदा मिसाल है।
द फाइनल वर्ड अबाउट द सेवियर ऑफ मैन काइंड इन द होली कुरान इज, इंसानियत के निजात दहिंदा के बारे में कुरान पाक में आखिरी अल्फाज ये हैं, ओ नबी surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا and as the one inviting to Allah by his permission and as a light giving torch اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیسن کو اینڈ کریں گے اور نیکسٹ لیسن میں ہم چیپٹر 1 کی ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے. تو اگر آپ کو یہ لیسن یوزفل لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبا دیں تاکہ آپ کو سارے لیسنز ٹائم پہ مل سکیں. نیکسٹ لیسن تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.